वाराणसी भेलूपुर थाना अंतर्गत समाजवादी पार्टी के महानगर कार्यकर्ताओं का सोमवार को बैठक महानगर के कैंप कार्यालय में आयोजित किया गया। इस दौरान विख्यात समाजवादी चिंतक पूर्व राज्यसभा सदस्य स्वर्गीय जनमेश्वर मिश्र की जयंती मनाई गई। इस अवसर पर उनके राजनीतिक क्रियाकलापों एवं संघर्षों के बारे में विस्तार से चर्चा की गई। समाजवादी पार्टी के लोगों ने कहा कि आज के इस ऐतिहासिक दिन पर संविधान में आरक्षण का जो सच है उसे सोच के अनुरूप पार्टी के निर्देशानुसार संविधान मान स्तंभ की स्थापना की गई। इस अवसर पर प्रस्ताव ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि वर्तमान सरकार आरक्षण को समाप्त करने की साजिश कर रही है। बैठक में महानगर अध्यक्ष दिलीप डे ने कहा कि आज जनेश्वर में जैसे नेताओं की सोच को आगे बढ़ाने की जरूरत है। वर्तमान सरकार युवाओं को नौकरी नहीं दे रही है, आरक्षण ना देना पड़े इसलिए निजीकरण करके दलितों पिछड़ों अल्पसंख्यकों को आरक्षण से वंचित रखने के लिए साजिश किया जा रहा है। कार्यक्रम का संचालन योगेंद्र यादव महानगर सचिव ने किया। धन्यवाद ज्ञापन रामजी यादव मीडिया प्रभारी ने किया। बैठक में मुख्य रूप से बहादुर यादव, पूर्व मंत्री डॉक्टर ओपी सिंह, डॉक्टर सूबेदार दिलशाद अहमद, शशिकांत यादव, राजू यादव, हसन अंसारी, अवनीश यादव, विक्की, अनिल साहू, अखिलेश गुप्ता, अखिलेश यादव, रितेश केसरी सहित सैकड़ों की संख्या में सपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। उत्तर प्रदेश के हर कार्यालय में आज जनेश्वर मिश्रा जी का जन्मदिन मनाया जा रहा है। जो लखनऊ में जनेश्वर पार्क है उस पर विशाल आयोजन है जनेश्वर जी का आज जन्मदिन मनाने का। और आज का दिन विशेष इसलिए है कि आज के दिन हम लोग उनका जन्मदिन मनाने के साथ साथ हम लोग संविधान मान स्तंभ की स्थापना कर रहे हैं। अपने सब हर पूरे उत्तर प्रदेश के हर कार्यालय में संविधान मान स्तंभ का स्थापना होगा। समाजवादी पार्टी महानगर के कार्यालय में समाजवादी पार्टी की तरफ से आज मान स्तंभ समाजवादी ये मान स्तंभ संविधान मान स्तंभ की स्थापना हो।